मत्स्यजीवी चुनाव को लेकर प्रथम दिन 28 लोगों ने कराई नामांकन। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति की चुनाव को लेकर बुधवार को प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में अध्यक्ष, मंत्री तथा कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 28 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें मंत्री पद के लिए मोहित सहनी, सोनिया देवी, लक्ष्मी सहनी व बबलू सहनी समेत 4 लोगों ने पर्चा भरा, जबकि अध्यक्ष पद के लिए विनोद सहनी, प्रमोद मुखिया व कारी सहनी ने नामांकन कराई। वहीं प्रबंध कारिणी सदस्य के लिए तिलक सहनी, दुलारी देवी, राम सखी देवी, सीता देवी, कुलो देवी, छोटी देवी, रामचंद्र मुखिया, अशोक कुमार सहनी, विनोद मुखिया सहित 21 लोगों ने नामांकन कराया। नामांकन के दौरान सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम देखा गया। वहीं विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के समर्थन में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। नामांकन कक्ष में सहायक निर्वाची पदाधिकारी नौशाद अहमद, विद्यानंद कुमार समेत अन्य कर्मियों को मुस्तैद किया गया था। इस बाबत निर्वाचन पदाधिकारी शब बीडियो कृष्ण मुरारी ने बताया कि गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को दाखिल नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव जो है आपको जो मंत्री के रूप में यहाँ पर जो क्या नाम हुआ आपका, मोहित सहनी जी, जो आज देखा कि भारी अपार बहुमत वहाँ पर लोगों का जो मतदाता है उनका काफी संख्या में भीड़ थी, बताएंगे दूध। इस बार जो है 300 वोट से विजय बनेगा मोहित जी, पिछले साल 150 वोट से जीते थे, इस बार 300 वोट से जीतेंगे। का जो आज नॉमिनेशन हुआ है, क्या लगता है इस चुनाव में आपको? इस चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा चुनाव, 10 साल जैसे पहले से भी है, 12 में भी निर्वाचन में आए और 17 में भी आए। देखा गया कि जनता के यहाँ पर अपार जितना बहुमत है, सैकड़ों की संख्या में आपके साथ में यहाँ पर आए थे, क्योंकि जनता के साथ में हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबका मिला जुला करके जल कर दे रहे, एक सम्मान मानते हैं, इसलिए हमारे साथ में है जनता और रहेगी भी, कोई तरह का दिक्कत भी नहीं रहेगा।